हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कुंभ महल के प्रमुख प्रवेश द्वार की बड़ी पोल के बाहर निकलते ही उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह द्वारा नवनिर्मित दो मंजिला भव्य महल है। श्री गणेश जी की मूर्ति दर्शनीय। महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्माण होने के कारण यह प्रकाश महल फतेह प्रकाश के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार द्वारा इसे संग्रहालय स्थापित है और इस क्षेत्र में पाषाण भीष्मकालीन अस्त्र शस्त्र मूर्तिकला के नमूने चित्रों के अलावा विभिन्न ऐतिहासिक व लोक कला की सामग्री व संग्रहालय प्रदर्शित है। फतेह प्रकाश के पश्चिम में बड़ी पोल की ओर जाने वाली तथा बड़ी पोल की उत्तर की ओर जाने वाली पुरानी दुकान है जो खंडर है, वह किसी समय में बाजार होना व्यस्त है। यह क्षेत्र मोती बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक जमाने में बहुत ही बड़ा भव्य बाजार लगा करता। यह मीरा मंदिर है। मीरा का जन्म गांव कुड़ी में हुआ था 1503 ईस्वी में और यह मीरा राव जोधा जी के वंश राव दूजा जी के द्वितीय पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। जब मीरा केवल 10 वर्ष की थी उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिस पर उनके दादा दूदाजी के पास मेड़ता में रहने लगी। आज इस मंदिर में बहुत सी भीड़ लगती है, बहुत से भक्त यहाँ पर आते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है। स्तंभ यह 122 फीट ऊंचा है, लगभग 34 मीटर 9 मंजिला। यह स्मारक भारतीय कला व सुंदर कारीगरी के प्रतीक है और यह 30 फीट यानी 6 मीटर चौड़ा। इसमें 157 सीढ़ियाँ हैं। यह महाराणा कुंभा ने बनवाया था। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन को की सेना को हराकर यह विजय स्तंभ विजय स्वरूप के रूप में इसका निर्माण सन 1440 में प्रारंभ हुआ। सन 1448 1505 में संपूर्ण हुआ था। गौमुख कुंड, यहाँ पर गौ के मुख से पानी लगातार बहता है। इस झरने को गौमुख कुंड कहा जाता है। यह अनेक प्रकार की मछलियाँ चने डालने पर आती है व यहाँ पर सुबह के वक्त यहाँ के प्राणी जल कीड़ा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। गौमुख कुंड देखने पर इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर व आकर्षित नज़र आता है। यहाँ पर पर्यटकों की आकर्षक भीड़ नज़र आएगी आपको। यह इसके पास में विजय स्तंभ बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ का सुबह का वातावरण बहुत खूबसूरत नज़र आता है। सड़क के पश्चिमी मोड़ की ओर गौमुख कुंड के दक्षिण चट्टानों के बीच में जयमल और पत्ता के महलों का खंडर है जो स्वामी को विरोधियों कार्य में स्मृति के लिए खड़े हैं। राठौर जयमल सिसोदिया पत्ता के अंतिम शाखा में अकबर की सेना से लड़ते हुए काम आए थे। पत्ता के महलों का हुआ आसमानी रंगत का काम वहीं कई विद्वानों का है। जयमल पत्ता के महलों का पूर्ण एक जलाशय है जो जयमल पत्ता तालाब कहलाता है। सूर्य कुंड के दक्षिणी तालाब के किनारे रावल रतन सिंह की रानी पद्मनी के महल बने हुए हैं जो एक छोटा सा तालाब के बीच में बना हुआ है। लोगों का यह विश्वास है कि महल रानी पद्मावती के ग्रीष्मकालीन विहार के लिए थे। उस मूल्य का निवास राम प्रसाद जो आजकल कुंभा महल के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर जौहर करना भी बताया गया है। इस महलों को बनावट को देखकर पर्यटकों के मन में इन महलों की प्राचीनता के बारे में स्नेह उत्पन्न होता है। संभव है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नष्ट किए जाने के बाद भी उस स्थान पर घटना स्मारक प्राचीन खंडरों का जीर्णोद्धार कर नए महलों का निर्माण कराया होगा। महाराणा सज्जन सिंह ने सन 1881 में इन महलों की दीवारों को पूर्ण प्लास्टर करवा कर इनका नव निर्माण कार्य करवाया। जो कहा जाता है कि रावल रतन सिंह ने रानी पद्मावती को इसी महल में अलाउद्दीन खिलजी को बताया था, जहां से अलाउद्दीन खिलजी उनको देखकर बेहोश हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नष्ट किए जाने पर यह अभी तक वैसा का वैसा महल है। यह जौहर स्थल है। यहाँ पर रानी पद्मावती ने जौहर लिया था, पद्मिनी ने, और बताया जाता है कि यह रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने हरा कर यहाँ पर जब आना चाहा, रानी को जब अपने वश में करना चाहा, तब रानी ने अपने 16,000 दासियों के साथ में इस जौहर स्थल पर आग में कूदकर अपनी जान त्याग दी। और आज भी यहाँ पर उनके पुख्ता सबूत मिले हैं जो कि अनेक द्वारा किसी राख या लकड़ी जली हुई लकड़ी के द्वारा मिले हैं। और यहाँ पर आज एक कुंड जो बनाया गया है वह कुंड बहुत, और यहाँ पर हवन भी बनाया गया है जो कि किसी को ऐसा नुकसान ना हो, उस कारण यहाँ हवन का निर्माण भी किया गया है और कुंड को ढक दिया गया है ताकि कोई भी इस कुंड को देख के उसमें देख ना सके और यहाँ पर